हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखेंगे जो हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड मीनिंग हमारा है लियाबिलिटी। लियाबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। नेक्स्ट है हमारा मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत। नेक्स्ट है हमारा व्हाई नॉट। व्हाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं। नेक्स्ट है हमारा इनवाइट। इनवाइट का मतलब होता है निमंत्रण देना या आमंत्रित करना। अब जब किसी भी अपने फ्रेंड या रिलेटिव को अपने घर पे या किसी प्रोग्राम में बुलाते हो तो उसके लिए हम इनवाइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा गाइड। गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन या रास्ता दिखाना। नेक्स्ट है हमारा आई विश। आई विश का मतलब होता है काश। नेक्स्ट है अपसेट। अपसेट का मतलब होता है उदास या फिर परेशान। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार या उत्तरदायी। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का मतलब होता है अखबार या समाचार पत्र। अखबार को ही हम इंग्लिश में न्यूज़पेपर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना या उत्तर देना। जब भी किसी चीज़ पे कोई प्रतिक्रिया देते हो तब हम उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं। थैंक यू एवरीवन।